भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर 19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का पहला मैच आज खेला जा रहा है और इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उनका यह फैसला गलत साबित हुआ। दूसरे ही ओवर में सुशांत मिश्रा ने मोहम्मद हुरैरा को पवेलियन लौटा दिया। वहीं मैच के चौथे ओवर में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज सुशांत मिश्रा ने एक ऐसी बाउंसर डाली जिसे पाकिस्तान के हैदर अली समझ नहीं पाए और गेंद सीधे उनके कंधों पर जाकर लगी। बॉल इतनी तेज लगी कि वे मैदान पर ही बैठ गए और पाकिस्तानी फिजियो को मैदान में आना पड़ा, लेकिन इसी बीच सुशांत मिश्रा ने खेल भावना दिखाई और हैदर अली के पास जाकर उनसे बातचीत की और उनसे पूछा कि आपको ज्यादा तेज तो नहीं लगी। तब हैदर अली ने कहा, नहीं आप चिंता मत कीजिए, मैं देख लूंगा। तो वहीं कुछ देर के लिए मैच भी रोका गया, लेकिन थोड़ी देर बाद हैदर अली बैटिंग करने लगे। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम के इस खिलाड़ी ने खेल भावना दिखाई। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच अक्सर गहमा गहमी का मैच देखा जाता है, लेकिन यहाँ सुशांत मिश्रा ने खेल भावना दिखाई जो काबिले तारीफ है। देखना होगा भारतीय टीम इस सेमीफाइनल मैच में कैसे जीत दर्ज कर फाइनल की राह बनाती है। आपको क्या लगता है, आप भी इस खबर पर अपनी राय रखिएगा। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।